Hello friends, welcome to my YouTube channel Newton Study One. इस वीडियो में परसेंटेज का शेष पार्ट शुरू हो रहा है. देखिए टाइप नंबर 42 से क्वेश्चन क्या कर रहा है. एक वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसके संख्यात्मक मान के बराबर है तो उसका वास्तविक या क्रय मूल्य बताना. क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. इसका कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को 119 रुपए में बेच दे रहे हैं तो उतना ही लाभ हो रहा है हमें, उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि हमारा क्रय मूल्य लगा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है. तो ऐसे सवालों के लिए देखिए क्या करते हैं. जब लाभ हो तो फार्मूला ट्रिक लिख लीजिए छोटा सा, टेन अंडर रूट ए प्लस 25 माइनस 50. ये लाभ होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यही क्वेश्चन में हानि हो जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता और यहाँ पे प्लस हो जाता. टेन अंडर रूट ए प्लस 25 माइनस 50, ये वाली चीजें जो है अंडर रूट में है, ये बाहर है, इसमें पूरा मल्टीप्लाई है, ये अलग माइनस है. बस इसको ऐसे ही कर देना है फॉर्मूले पर रख के. टेन रख लेंगे यहाँ पे अंडर रूट में, ए का मान जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जो क्वेश्चन में एक ही मान में देगा इसमें, तो वही हो जाएगा 119 प्लस, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्लस लिखेंगे. कह रहा है कि हुआ लाभ उसके संख्यात्मक मान के बराबर है तो वास्तविक मान या क्रय मूल्य बताना है और प्लस 25 ले लेंगे. फार्मूला में ही है ये 25 और बाहर ये टोटल का माइनस है हमारा 50. ये टोटल एक में है और ये बाहर माइनस अलग है 50. इसको करेंगे तो हो जाएगा 10 रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे 119 और 125 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा. 119 और 125 जोड़ेंगे तो 144 हो जाएगा. तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रूट में है यहाँ तक. 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, माइनस 50 ये बाहर है, ये 12 दही 120 हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा, आंसर आपका 70 रुपये आ जाएगा. यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये था तभी उसको 119 रुपये बेचने पर हुआ उसका लाभ उसके संख्यात्मक मान के बराबर था, वो भी परसेंटेज. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, इसमें कुछ करना नहीं था बस फार्मूले पर देना था एक मान, और लाभ है तो बीच में प्लस रहेगा, हानि है तो बीच में माइनस हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा. कह रहा है कि एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर हुआ हानि उसके संख्यात्मक मान के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 अंडर रूट ए माइनस 25 प्लस 50 बाहर रहेगा. इसमें पुट कर देंगे, देखिए 10 हो जाएगा फॉर्मूला से, एक के जगह रखेंगे 21 रूट में 21 माइनस 25 करेंगे यहाँ पे, प्लस 50 बाहर हो जाएगा. अब देखिए 10 यहाँ पर रहेगा ही और इसमें से बड़ा में छोटा घट जाएगा, 25 में से 21 घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस चार का वर्गमूल निकालेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा बाहर, माइनस बाहर पहले ही निकाल लेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं जाना है, तो माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 50 ये माइनस 20 हो जाएगा, प्लस ये 50 हो जाएगा, तो बड़ा वाला में छोटा वाला घट जाएगा तो 30 रुपये आपका आंसर आ जाएगा. इस प्रकार से आपका आंसर 30 रुपये आ जाएगा. फार्मूला इसमें बस ध्यान देना है 10 अंडर रूट ए माइनस 25
प्लस 50, जहाँ यहाँ पे माइनस होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। लाभ वाले के लिए रूट में प्लस, हानि वाले के लिए रूट में माइनस होता है, जब इसके ऑपोजिट यहाँ पे होता है। बस ये फार्मूला याद करना है, बाकी इसमें कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 44। इसमें क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है जिसको देख करके बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन का सलूशन करने में टाइम मात्र एक मिनट लगेगा जब आप सीख लेंगे तो। बस इसको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा देख करके नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन का सलूशन छोटा होता है। इसे कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी किताब को 9% के लाभ पर, 9% के लाभ पर किताब को बेच रहा है, और पेन को 13% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुछ लाभ होता है, लाभ भी पता नहीं है पर कुछ लाभ होता है। यदि किताब को 13% के लाभ पर एवं पेन को 9% के लाभ पर बेचे तो उसे पहले से 80 रुपये अधिक लाभ होता है। क्वेश्चन को दो बार तीन बार पढ़िए जब नहीं समझ आए तो। पर एक व्यक्ति किसी किताब को 9% के लाभ पर और पेन को 13% के लाभ पर बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है। यदि किताब को 13% के लाभ पर एवं पेन को 9% के लाभ पर बेचे तो उसे पहले से 80 रुपये अधिक लाभ होता है। ये दोनों का वास्तविक मूल्य 20,000 रुपये है तो पेन का मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सलूशन, किताब को 9% के लाभ हो, यहाँ पे लिख सकते हैं 9% बी प्लस, परसेंटेज में है तो 9%, अब बी से बुक हो गया। पेन को 13% के लाभ हो, 13% पी तो बेच रहा है तो उसे कुछ लाभ होता है, लाभ नहीं पता है। इसको हम लाभ लिख सकते हैं या प्रॉफिट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉफिट। कुछ लाभ होता है हमको पता नहीं है, पर 9% बुक, 9% लाभ पर बुक बेच दिया, 13% लाभ पर पेन बेच दिया तो इसे कुछ लाभ हो गया, पता नहीं कितना लाभ हो गया। कह रहा है कि किताब को 13% के लाभ पर, अब देखिए यहाँ 13% बी हो गया प्लस पेन को 9% के लाभ पर बेचे, उल्टा हो गया, पहले जो इसका था अब इसका हो गया, अब इसका था जो इसका हो गया, डिजिट वाला। हम करें किताब को 13% के लाभ पर पेन को 9% के लाभ पर बेचे तो उसे पहले से 80 रुपया अधिक लाभ होता है, प्रॉफिट जो हो रहा था वो तो होगा ही, प्लस 80 रुपया अधिक हो जाएगा तो 80 रुपये इसमें जुट जाएगा। तो ये दोनों का वास्तविक मूल्य 20,000 रुपया है तो पेन का मूल्य बताना है हमको। तो अब देखिए हमारा दो एक क्वेश्चन बन गया, इसमें क्या करना होता है, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा दीजिए, यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये घट जाएगा, तो 13b में से 9b चला जाएगा तो -4b हो जाएगा, -4b ये +4b हो, +4p हो जाएगा, बड़ा वाला में छोटा वाला घट जाएगा तो ये प्लस का है बड़ा वाला, ये तो 4p हो जाएगा, ये माइनस का है बड़ा वाला तो -4p हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कट ही गया प्रॉफिट, अब 80 हो जाएगा। ये भी परसेंटेज में, तो इसमें हम चार कामन ले लेंगे और इसको सही से सजा के लिख लेंगे तो 4p पहले लिख सकते हैं तो p हो जाएगा और माइनस ये b हो जाएगा और ये परसेंटेज में है, यहाँ पे 4% लिख सकते हैं, 4% पी पहले आ जाएगा अब बी माइनस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं हम, माइनस वाले को बाद में लिख सकते हैं अपने मर्जी से, तो ये 80 हो जाएगा। अब देखिए 4% पी माइनस बी बराबर 80 आ गया हमारा इक्वेशन। तो पी माइनस बी लेने के लिए हम क्या करेंगे, 80 कर देंगे यहाँ और ये 4% था तो परसेंट परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, आपको पता होगा शुरू में बताया था, तो 4/100 हो जाएगा और पी माइनस बी ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये 80 है उधर, ठीक। इससे इसको काट देंगे, 4 से 20 बार में कट जाएगा और ये नीचे है तो जाकर तीन गुणा हो जाएगा, इसमें भी 1 मान लेंगे इसमें भी, तो हो जाएगा ये पी माइनस बी इक्वल टू 2000 हो जाएगा।
20 में 100 से गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा, तो p माइनस बी का मान हमको 2000 पता हो गया इस इक्वेशन से। अब क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है ये दोनों का वास्तविक मूल्य 20000 है, तो p प्लस बी इक्वल टू 20000, जबकि p माइनस बी हमारा 2000 है। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये दो इक्वेशन बन गया हमारा, ये b से b कट जाएगा तो 2p हो जाएगा, ये इक्वल टू 20 और 2 22000 हो जाएगा। जोड़ दिए हैं बस, ये माइनस था ये प्लस था तो जोड़ दिए, तो ये 22000 हो जाएगा। तो p का मान हमारा 11000 आ जाएगा। जब पेन का मान हमारा 11000 आ गया तो बुक का मान टोटल हमारा 20000 था तो 9000 आ जाएगा ये। और दोनों का अंतर निकाल देंगे तो 2000 ये इक्वेशन भी सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार दोबारा से सीख लीजिए, 9% पे बुक बेच रहा है, 13% पे पेन, तो कुछ लाभ हो रहा है। 13% पे बुक बेच रहेगा, 9% पे पेन, तो लाभ से 80 रुपये अधिक लाभ होने लगा। अब इसी को हम घटा दिए हैं दूसरे में से, तो माइनस का 4p हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, प्लस ये 4p ऊपर वाला है बड़ा है, तो और बराबर 80 हो जाएगा। ये परसेंटेज में था 4%, और इसको पहले लिख लिए इसको बाद में लिख लीजिए, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। और परसेंटेज घटाने के लिए 100 से भाग करेंगे तो ये 80 कट जाएगा 4 से 20 बार में, और 100 जाकर ये 2000 हो जाएगा। p माइनस बी इक्वल टू 2000, और p प्लस बी इक्वल टू क्वेश्चन में दे चुका है 20000 पहले दोनों का वास्तविक मूल्य, यहाँ से जोड़ देंगे तो 2p हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 22000, और p इक्वल टू 11000, तो b इक्वल टू 9000। टोटल डिफरेंस भी निकाल कर देख सकते हैं आप, 2000 आएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिए रुक करके, समझना है तो देखिए। नेक्स्ट टाइप 45 नंबर है, इसमें भी क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें हानि वाला क्वेश्चन है, टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन लंबा दिखेगा, सोल्यूशन छोटा होगा और आसान होगा। 99% 95% तक बचे क्वेश्चन देख करके छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम बनाता है उसी का रिजल्ट होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक पेन को 5% के हानि पर बेचता है, किताब को 15% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 7 रुपये का लाभ होता है। रुपया में दे दिया लाभ, जबकि पिछले क्वेश्चन में लाभ और हानि डिजिट में अंक में पैसा में नहीं दिया था, बस कहा था कुछ लाभ होता है। यदि पेन को 5% के लाभ पर हम किताब को 10% के लाभ पर बेचे, अब कह रहा है कि पेन को 5% और किताब को 10% के लाभ पर बेचे, तो उसे 6 रुपया अधिक ज्यादा लाभ होता है। यानी पहले 7 रुपये लाभ होता था, अब 13 रुपये होगा, 6 रुपये बढ़ गया। तो कह रहा है किताब का मूल्य बताओ। क्वेश्चन को एक बार और आप पढ़िए वीडियो रोक करके, उसके बाद क्वेश्चन समझिए, उसके बाद हम सोल्यूशन बता रहे हैं। चलिए पढ़ लिए तो देखिए शुरू करते हैं। कह एक व्यक्ति पेन को 5% के हानि पर, तो माइनस 5p हो जाएगा परसेंटेज में, पी से पेन हो गया, 5% हो गया के हानि पर बेचता है, और किताब को 15% के लाभ पर, तो किताब 15% लाभ है, तो उसे 7 रुपये का लाभ होता है। लाभ होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक। किताब को 5% के हानि पर रहा हूँ, अरे सॉरी, पेन को 5% के हानि पर रहा हूँ, किताब को 15% के लाभ पर बेचता है, तो -5% पेन हो गया, 15% बुक हो गया, तो 7 रुपये लाभ हो गया। और अगर यदि पेन को 5% के लाभ पर, एंड पेन को प्लस 5 लिखे, एवं किताब को 10% के लाभ पर, बेचे तो पहले से 6 रुपये ज़्यादा लाभ होता है, यानी 7 रुपये पहले था और 6 रुपये बढ़ गया, तो कितना लाभ हो गया उसको, 13 रुपये लाभ हो गया, पहले से 6 रुपये ज़्यादा लाभ हो रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए बस इसको सॉल्यूशन कर लेना है, आपका किताब का मूल्य निकल जाए। अब देखिए डिजिट उल्टा है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो जोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो जोड़ दीजिए, तो ये कट गया, जोड़ देंगे तो कट गया, तो छोड़ दीजिए, इसको 0 हो गया, और प्लस ये 15 और 10 25 भी हो जाएगा, और भी परसेंटेज का इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे 13 7 20 हो जाएगा, 13 रुपये अब लाभ हो रहा है, पहले 7 रुपये हो रहा था, तो 20 रुपये हो गया। अब देखिए इसको यहाँ लाइए, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 25% हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, बी इज इक्वल टू 20 रुपये हो रहा है यहाँ, ये देखिए जोड़ दिया तो ये कट गया, ये 15 10 25 हो गया, अब बी परसेंटेज है क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन में बोला है,
जब तक परसेंटेज हटाएंगे नहीं तब तक हमारे रुपया मारेगा नहीं, तो इससे इसको काट देंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 से जाकर इसमें गुणा हो जाएगा तो बी इक्वल टू 80 रुपया आ जाएगा, आपका बुक का दाम 80 रुपया आ गया। आपसे पूछा क्या था, किताब का मूल्य बता दो, किताब यानी बुक बी बराबर 80 रुपया। एक बार दोबारा देखिए, -5% पी है, पेन को -5% बचा है, +15% बी है, 15% बुक बचा है, और तो 7 रुपये लाभ हो रहा है, और प्लस का 5% भी है और 10% भी है तो 13 रुपये लाभ हो रहा है, प्लस 6 पे ज़्यादा हो रहा है तो जोड़ दिए तो 0 हो गया, ये 25% हो गया, 20 हो गया, ये 25% को हटाने के लिए 100 से भाग कर दिए तो बी बराबर 20, तो बी बराबर 80 रुपये आ गया। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जय हिंद।